I am Sanjay Kumar and today I will explain chapter number 1st of economics. Firstly, कोई chapter को पढ़ने से पहले अपन को उसके subject matter को क्या करने चाहिए, पढ़ना चाहिए. That is, उसको एक बार क्या करना है, discuss करना चाहिए. What is subject matter? Subject matter means होता है कि उस chapter में हमको क्या क्या points क्या करने हैं, discuss करने हैं. जैसे इस chapter में हमको पहला point पढ़ना है, meaning of macro economics. Macro economics की meaning क्या, ये देखना है. फिर उसके बाद हाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफर फ्रॉम द माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स से डिफरेंस क्या है, ये देखना है. स्कोप एंड सिग्निफिकेंट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स का इम्पॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इसे हमको क्या करना है, डिस्कस करना है. तो पहला पॉइंट हमारा है मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग क्या होती है. मैक्रो वर्ड्स का जो इंग्लिश का वर्ड है वो कहाँ से आया है, ग्रीक के माइक्रो से आया है, जिसका मीन्स क्या होता है, लार्ज होता है. ठीक है, दैट इज़ हम यहाँ पर क्या करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में अपनी पूरी कंट्री की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं. यहाँ पर मैंने राइट किया है, मैक्रो इकोनॉमिक इज द डिफाइन एज अ दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इशू और इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑन इकोनॉमिक्स एज अ होल. तो मतलब आपका जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, उसमें पूरी होल इकोनॉमिक्स की क्या की जाती है, स्टडी की जाती है. जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ पर पूरे कंट्री के क्या करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कैलकुलेट करते हो, पूरी कंट्री के हम क्या कैलकुलेट करते हैं, पूरी कंट्री में इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, ये सब चीज़ों की क्या करते हैं, यहाँ पर स्टडी करते हैं. देन नेक्स्ट पॉइंट में आपका है टेन गवर्नमेंट जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू क्या की जाती है, कई टाइप की क्या करती है, स्टडी करती है, और किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ रहा है किसी कंट्री पर इकोनॉमिक्स का, उसको भी क्या करती है, स्टडी करती है. देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, किस तरीके से माइक्रो और मैक्रो एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, इसकी हम क्या करते हैं, देखते हैं. दैट इज़ हमने जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसको कहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, 11th में डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है. ठीक है, फिर यहाँ पर बेस ऑन द स्टडी, दोनों के स्टडी का बेस क्या है, तो यहाँ पर हम जनरली किसकी ज़्यादा स्टडी करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या करेंगे, ज़्यादा स्टडी करेंगे. यहाँ पर क्या किया जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक इंडिविजुअल की स्टडी की जाती है, इंडिविजुअल की क्या की जाती है, चॉइस और स्कैसिटी की क्या की जाती है, स्टडी की जाती है. जैसे एक फर्म हो गया, एक इंडिविजुअल हो गया. जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या किया जाता है, पूरे आपकी कंट्री के स्कैर्सिटी और चॉइस की क्या की जाती है, स्टडी की जाती है, पूरे होल कंट्री की स्टडी की जाती है. देन नेक्स्ट वेरिएबल, इन दोनों के वेरिएबल्स क्या हैं, वेरिएबल मीन्स इनमें स्टडी करने के जो कंपोनेंट हैं वो क्या हैं. ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो कंपोनेंट होता है वो जनरली क्या होता है आपका, एक कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर की डिमांड, और एक प्रोड्यूसर होता है. जबकि आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी क्या करते हैं, पूरी कंट्री की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं. डेट इज़ यहाँ पर पूरे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई की क्या की जाती है, स्टडी की जाती है. मतलब पूरे कंट्री में क्या सप्लाई है और क्या डिमांड है, इसकी स्टडी की जाती है. एजेंट, जो माइक्रो जो इकोनॉमिक्स होता है वो एक एजेंट की तरह वर्क करता है. एजेंट मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो किसी अदर पर्सन के हिसाब से काम कर रहा है. जैसे आप इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट होता है, तो जो इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट होता है वो इंश्योरेंस कंपनी के लिए क्या करता है, वर्क करता है. तो जस्ट लाइक इकोनॉमिक्स भी एक क्या करता है, एजेंट की तरह वर्क करता है. ठीक है, तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स पहला फर्स्ट पॉइंट देखते हैं. जब एक इंडिविजुअल के हिसाब से अपन बात करते हैं इकोनॉमी, तो इंडिविजुअल के हिसाब से वो क्या करता है, एक एजेंट की तरह वर्क करता है. जैसे वो जो इकोनॉमिक्स होता है जो एक एजेंट की तरह वर्क कर रहा है, डेट इज वो इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूट दोनों के लिए एक एजेंट की वर्क करता है. दोनों इसको यूज करके क्या करते हैं, कोई इंपॉर्टेंट क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं.
जैसे इंडिविजुअल के लिए, इंडिविजुअल मींस यहाँ पर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों आते हैं। कोई भी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का क्या होता है, मेन फोकस ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाए, गेन किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा गेन किया जाए मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिया जाए, बेनिफिट लिया जाए। तो ये लोग इकोनॉमिक्स का यूज़ करके क्या करते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या करते हैं, किस तरीके से क्या किया जा सके, वेलफेयर किया जाए, इसकी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता है वो लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ एनी इंडस्ट्री एग्रीगेशन, मतलब एक इंडस्ट्री के हिसाब से क्या क्या है, एक फर्म के हिसाब से क्या क्या आता है, एग्रीगेशन होता है। जबकि आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या आता है, पूरे एक वाइड या होल वे में क्या होता है, इकोनॉमिक्स में एग्रीगेशन होता है। इसमें क्या क्या आता है, एग्रीगेटेड डिमांड, एग्रीगेटेड इक्विलिब्रियम क्या क्या आता है देखा जाता है। डिफरेंट सेट ऑफ द एजम्पशन, दोनों में एजम्पशन का क्या होता है, अलग अलग क्या होता है, सेट होता है। एक ही जो वेरिएबल्स होते हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में इम्पॉर्टेंट है, जबकि आप अगर देखेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। तो जो वेरिएबल माइक्रो इकोनॉमिक्स में इम्पॉर्टेंट है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में इम्पॉर्टेंट है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो दोनों के क्या होते हैं, अलग अलग क्या हो सकते हैं, वेरिएबल होते हैं। सेम ही चीज एक के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है और एक के लिए क्या होती है, उतनी इंपॉर्टेंट या इंपॉर्टेंट नहीं रखती है। नेक्स्ट आता है थ्योरी ऑफ मनी। थ्योरी ऑफ मनी में हम मेन या ये स्टडी करते हैं कि किस तरीके से मनी क्या की जाती है, क्रिएट की जाती है, और किस तरीके से मनी क्रिएशन में क्या होता है, मनी की क्रिएशन और क्रेडिट। क्रेडिट मतलब क्या होता है, उसको क्या करना है, लोन के लोन किसी को देना, ये कौन करती है, आपका कमर्शियल बैंक करती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मेन रोल किसका होता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का होता है। तो आरबीआई की देखती है कि किस तरीके से मनी का क्या किया जाए, क्रिएशन किया जाए, और किस तरीके से क्रेडिट करवाया जाए कमर्शियल बैंक के थ्रू। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन गैप, ठीक है। एक इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशन गैप्स होते हैं, हम इस फर्दर चैप्टर में देखेंगे। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन गैप मेनली क्या होता है, इन्फ्लेशन गैप मतलब क्या होता है, जब मार्केट में क्या हो, सप्लाई डिमांड बहुत ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो, तो उनके दोनों के बीच का जो गैप रहता है उसको इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है कि जब मार्केट में सप्लाई बहुत ही ज़्यादा एक्सेस है लेकिन डिमांड शॉर्टेज है, तो इसको डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम इकोनॉमिक्स के थ्रू ये देखते हैं कि किस तरीके से हम क्या करें, जनरल प्राइस लेवल को क्या कर सकें, किस तरीके से अडॉप्ट कर सकें, कैसे उस लेवल तक पहुंच सकें। नेक्स्ट रोल ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या करती है, आप बजट बनाती है। बजट मीन्स गवर्नमेंट के इनकम होते हैं, एक्सपेंडिचर्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग टू क्या करती है, गवर्नमेंट बजट बनाती है। तो इकोनॉमिक्स के थ्रू वो क्या करती है, सभी लेवल की एक्टिविटी का इम्पैक्ट देखते हुए क्या करती है, बजट बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट चेंज रेट एंड एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक्सचेंज रेट आप जानते हो, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में क्या होता है, जो मनी का चेंजेस होते हैं, जैसे डॉलर से अपन क्या करते हैं, रुपीज़ को चेंज करते हैं। जैसे एग्जांपल के एक डॉलर आपका एग्जांपल के लिए भी मान लो हम ले लेते हैं 75 रुपीज़ है, तो इसी को अपन क्या करते हैं, एक्सचेंज रेट करते हैं। तो ये किस तरीके से क्या किया जाए, एक्सचेंज रेट को किस तरीके से मैनेज किया जाए, ये इकोनॉमिक्स के थ्रू ही क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है। डेट इज़ इंटरनेशनल मनी से हम क्या करते हैं, एक्सचेंज रेट को क्या कर सकते हैं, डिफाइन करते हैं। आता है सिग्निफिकेंट एंड इम्पॉर्टेंट, मतलब यहाँ पर हम ये समझें कि आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसकी क्या सिग्निफिकेंट है, क्या इम्पॉर्टेंट है। तो पहला डिस्क्राइब ऑफ द इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स को डिस्क्राइब कर पाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए गवर्नमेंट इसी के थ्रू अब नेशनल इनकम एस्टिमेट कर पाती है कि पूरे कंट्री की नेशनल इनकम क्या है, साथ ही साथ इसी के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, बजट बना सकती है। इसी के थ्रू किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्यूशन के ये स्टडी करती है, और साथ ही साथ डिफरेंट टाइप की स्टडी क्या की जाती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू की जाती है। देन रोड मैप ऑफ द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट कई टाइप्स के क्या करती है, प्रोग्राम्स और पॉलिसी बनाती है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखते ही, मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करके ही क्या करती है, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या करती है और रोड मैप क्या करती है, बनाती है।
इकोनॉमिक्स स्टेबिलिटी, किसी भी कंट्री के लिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट आपका मॉनेटरी पॉलिसी होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कौन करता है? आपका आरबीआई करता है। तो इसमें फिशियल पॉलिसी और बजटरी पॉलिसी जो होता है, मतलब गवर्नमेंट क्या करती है ईयरली बेस पे क्या करती है, बजट बनाती है। ये सब जो बजट एवं बनाए जाते हैं, जो प्रिपेयर किए जाते हैं, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्टडी के बेस पर क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट मीन्स क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बाद जो हमारे दोनों के बीच का क्या होता है, डिफरेंस रहता है, उसको हम हमारी कंट्री क्या करती है, पे करती है, उसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कहीं ना कहीं बहुत क्या होता है, इंपॉर्टेंस होता है। इसी के थ्रू हमको ये पता चलता है कि हम हमारी क्या कैपेसिटी है एक्सपोर्ट करने की, ठीक है। हम कितना गुड्स दूसरी कंट्री क्या करते हैं, सेंड कर सकते हैं, और कितना हम कंजम्पशन कर सकते हैं, मतलब कितना हम इंपोर्ट कर सकते हैं, दैट इज दूसरी कंट्री से हम कितना गुड्स क्या कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं।